आपको बता दे, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम सैनी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, करीब एक घंटे चली मुलाकात। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो सीएम नायब सैनी आज दिल्ली दौरे पर, जहां दिल्ली दौरे के दौरान आपको बता दें कि कई मुलाकातों की तस्वीरें भी नजर आई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात सीएम ने कर ली। एक घंटे तक उनकी चर्चा चली है, दिवाली सहित तमाम विषयों पर चर्चा, जहां दिवाली को लेकर के शुभकामनाएं देने भी सीएम पहुंचे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। सबके साथ आगामी कार्यकाल किस प्रकार से चलाना है और आगामी कार्यकाल में क्या कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं, उसको लेकर के रणनीतियों पर प्रधानमंत्री के साथ ही महत्वपूर्ण चर्चा हरियाणा विकास को लेकर के हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम के द्वारा प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया, उसके बाद आगे चर्चा का ये दौर जो है वो देखने को मिला। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, हालांकि इसके बाद अब देखने वाली बात होगी जब सीएम के द्वारा इस मुलाकात को लेकर क्या कुछ अहम जानकारी साझा की जाती है। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, करीब एक घंटा ये मुलाकात चली। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, देखिए, मुलाकात से पहले भी हमने बातचीत की थी और उस पर जानकारियां ली थी कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बातचीत जो है वो संभव है, जहां आगे कार्यकाल को लेकर के सीएम ने बातचीत की है, आगे क्या जानकारी मिल रही है, एक घंटे की इस वार्ता में क्या कुछ खास रहा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है और मुलाकात लगभग एक घंटे तक चली है। एक घंटे की मुलाकात में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के विषयों को लेकर के चर्चा की। साथ ही जो दिवाली का त्योहार है, तो दिवाली के त्योहार को लेकर के भी शुभकामनाएं दी और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो कार्यक्रम है उसको लेकर के भी जानकारी दी है। और अब कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा भवन में एक मीडिया से जो है रूबरू होने वाले हैं और चंद ही मिनटों में हम कहें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से रूबरू होंगे और जो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात रही है, किन मायनों में मुलाकात रही, क्या क्या बातचीत हुई, ये जरूर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है वो एक तो दिवाली के त्योहार को लेकर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री को और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रमों की जो तैयारी है उसको लेकर के जानकारी दी। और साथ ही हाल ही में जो आपने देखा कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और आगे हरियाणा को किस तरह से विकास की तेजी से गति ले जाना है, उन सब विषयों को उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने रखा है। और क्या कुछ जानकारी इस दौरान नायब सिंह सैनी देते हैं, ये अभी कुछ ही देर में हम इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को जानकारी दे पाएंगे। बिल्कुल। और हालांकि देखिए, एक घंटे की मुलाकात हुई है गुलशन, और इससे पहले भी जैसा कि हमने चर्चा किया था कि 100 दिन का कार्यकाल कैसे चलाना है, 100 दिन का टारगेट जो है बीजेपी के द्वारा बार बार दिया जाता है, क्या इस टारगेट को लेकर के भी किसी तरह की रणनीति बनी है, इस पर किसी तरह की संभावना, किसी तरह की जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल, 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड बीजेपी ने अपना रखा है कि किस तरीके से 100 दिन हरियाणा के विकास की गति को आगे बढ़ाना है, इन तमाम विषयों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे तरीके से तत्पर नजर आ रहे हैं और इसीलिए दिल्ली दौरे पर लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि हरियाणा में मेट्रो के जाल को बिछाने के लिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की, कई विकास की जो परियोजनाएं हैं मेट्रो की उसको गति देने का काम किया गया। इसके बाद नितिन गडकरी से मुलाकात हुई, सड़कों का जाल बिछाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनसे मुलाकात की और वहां पर भी किस तरह से विकास की गति को तेज करने का काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। और डबल इंजन की सरकार जिस तरह से केंद्र में भी भाजपा की है और अब हरियाणा में हैट्रिक बीजेपी ने लगाई है, लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भी हम देखते थे कि बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी कही जाती थी कि
जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते थे कि डबल इंजन की जी बिल्कुल गुलशन अब देखने वाली बात होगी। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि क्या कुछ चीजें क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं ये तो सीएम के द्वारा बताए जाने पर ही पता चलेगा। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।